आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा ताकि आपके जीवन से सारे पाप सारे दुख दूर हो सके, और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता, प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है पिता परमेश्वर, जय जयकार करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा स्तुति बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो हम सबको पिता परमेश्वर जीवित रखा संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, और आज की सुंदर सी शाम दिखाई है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर सबको जीवित रखा, और हर एक रोग से हर एक बीमारी से तूने बचा कर रखा संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि सारा दिया हुआ तेरा है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो हर एक मसीह पिता परमेश्वर रात को सोते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें गंदे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें डर लगता है पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से खुदा यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से सारी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव उनके जीवन से कोसों दूर जाने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु जी उनके दिल में उनके मन में पवित्र आत्मा का वास हो पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वो सब पिता परमेश्वर तेरे पीछे चले, तुझ पर विश्वास करे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो हर मसीह पिता परमेश्वर आते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कर मदद कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है जहाँ जहाँ तेरे भक्त जाते हैं तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं, हाँ पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। संकट के दिन यहोवा को पुकारो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, विश्वास से प्रार्थना करो तो यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान होते हैं जो कहते हैं मैंने यहोवा से प्रार्थना तो की है लेकिन पता नहीं वो मेरी सुनेगा या नहीं। आपको यह नहीं कहना है, ऐसे लोग समुद्र की लहरों के समान होते हैं। प्रभु से विश्वास से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और संकट से दुख से तुम्हें दूर करेगा। हे मेरे प्यारे प्रभु जी हरे मसीह पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो हरे मसीह प्रभु जी तेरा वचन पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो वचन खाली न जाने पाए पिता परमेश्वर, सौ गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और इस वचन से पिता परमेश्वर वो ज्ञान और बुद्धि प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, और प्रतिदिन तेरे वचनों में बढ़ सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरा वचन वो लागू करने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे प्रेम और तेरे पहचान में हर एक मसीह बढ़े पिता परमेश्वर। जैसे तूने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर, जैसे अपनों से प्रेम करते हैं वैसे दूसरे से भी प्रेम करें पिता परमेश्वर, अपने जैसा बना पिता परमेश्वर। सबसे बड़ी आज्ञा तेरी प्रेम ही है पिता परमेश्वर, तूने हमें प्रेम करना सिखाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो आज भी पिता परमेश्वर मसीह के दिल में दिमाग में पिता परमेश्वर आज भी पाप है पिता परमेश्वर, वो पाप में डूबे हैं पिता परमेश्वर, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके समर्थन नाम से खुदा यीशु मसीह आपके जलाली नाम से प्यारे प्रभु जी वो सारे बंधन खुल सके पिता परमेश्वर, खुल सके पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन खुल सके, और वो मसीह ही आजाद हो सके यीशु मसीह के समर्थन नाम से, वो हर एक बंधन से आजाद हो सके, और वो तेरी महिमा स्तुति बढ़ाई करे प्रशंसा करे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक मसीह प्रभु जी बहुत बुद्धि और ज्ञान दे उनकी सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, और जो तुझ पर नहीं विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर उनको तो चुन पिता परमेश्वर, वो भी तुझ पर विश्वास करो तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर, पापों से मन फिराए पिता परमेश्वर, तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर। अनंत काल का जीवन देने वाला यहोवा तू है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सीधा है पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो पाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा पिता परमेश्वर। तूने हम सबके लिए एक मार्ग तैयार किया है पिता परमेश्वर, ये तेरा चुना हुआ है पिता परमेश्वर, हम सबको उसी मार्ग पे चला पिता परमेश्वर, हम सबको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे, हर एक पाप के रास्ते से बचा पिता परमेश्वर। शैतान तो चाहता है कि हम सब पाप में गिरे, लेकिन पाप में गिरने से हम सबको बचाता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हम सब पर आशीष और दया का हाथ बना रहे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जो आज भी लोग पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों को लेके हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, वो सारी अपनी बीमारियों से पिता परमेश्वर छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर, चंगाई पाए पिता परमेश्वर, और अपने पैरों पे खड़े होके पिता परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार करे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ उनके बीमारी है पिता परमेश्वर अपने हाथ
लगा पिता परमेश्वर, उनको छू ले पिता परमेश्वर, ताकि उनकी बीमारियां जड़ से ठीक हो सके यीशु मसीह। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी बीमारियां पिता परमेश्वर तू चंगा करता है, मुर्दों को जीवित करने वाला यहोवा तू है। प्रभु जी तूने हम पापियों के लिए अपना खून बहाया है पिता परमेश्वर, आपने हम सब पापियों के लिए क्रूस पर बलछी खाई है पिता परमेश्वर, कीले ठुकवाए हैं सबके लिए। तेरा प्रेम बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर, तू हम सब बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है मेरे खुदा यीशु मसीह, उसके मैं आभारी हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे तूने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी तुझसे प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको बहुत अपने प्रेम और पहचान में बढ़ा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और हर एक मसीह भी पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरे पहचान में हमेशा बढ़े पिता परमेश्वर। और हर एक जन पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करे, और हर एक जन पिता परमेश्वर तेरे नाम के झंडे खड़े करे पिता परमेश्वर, और तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर। सबको आशीष और सबको बुद्धि दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये आज की रात हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ। आमीन।